जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन कला परे बड़ ठाकुर को दर्शन कर महाप्रभु को आरती देवार विधि आगे महाप्रभु को आरती दिया जाए तापर बड़ ठाकुर को आरती दिया जाए तापर सुभद्रा को तापर सुदर्शन बड़ ठाकुर को देखिकी बड़बाड़ मणिमा बड़ शांत शशांक धवलम संग्राम चपलम जिस शशांक भड़िया चंद्रमा समान धवड़ वर्ण से बड़बाड़ मणिमा बड़देव को प्रणाम कर जय राम सदा राम सच्चिदानंद विग्रह अविद्या पंक रहित निर्मला कृतये नमः। हे राम हे अभिराम राम शब्द अर्थ गुण रमंती योगिनाम हृदय यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे न्यास परब्रह्म विदीयते। जे योगी मानक हृदय भित्रे रमण करंती जे समस्तों को आनंद प्रदान करंती जे साक्षात परब्रह्म तांको राम बोली कहा जाए तेणु हे राम अपन सदैव योगी मानक हृदय रे रमण करंती। और हे महाबली बड़े नोहिवे एही सम नाम होइब बड़ राम प्रभु बड़ रे आपण के समान के समान ही पारिवे नाही। दौर्भ्यां शोभित लांगलम कादंबरी चंचलम संग्राम चपलम शशंक धवलम श्रीकाम पालम भजे। जमुना कूल को विहार करिया बड़देव गले आ कदम्ब गछर गोटे रस झरे महाप्रभु को देखिकी कदम्ब गछर गोटे रस झरला कादंबरी रस बोली कहुए से कादंबरी रस को पान कले अब कादंबरी रस को पान करी मद विघुंडित नेत्र नेत्र लाल लाल ही था बड़ ठाकुर जमुना को आज्ञा दे हे जमुने मु जल विहार करी मो पाकुआ नदी को पाकु आसंता जमुना नदी पाकु न आसला बड़ ठाकुर क्रोध रे हड़ लांगल धरले रे जमुने मो आज्ञा को उल्लंघन करुचु हड़ धरिकी जमुना को ही टाणी आने निज पाकु जमुना को आकर्षण कर दे आज भी जो जगह वृंदावन में बड़देव जमुना को आकर्षण करते जमुना टी आग को आसिक पुणी पशु फेरी कादंबरी पान करी जहाँ नेत्र लाल लाल ही था बड़ ठाकुर भड़िया सरल कहीं ना कालिया शांत महाप्रभु भारी कपटिया हाँ या अंतर कथा कि जापारे ना महाभारत युद्ध करदे शकुनी सामान कपटी भी चिन्ही पार्ला ना दुर्योधन कौरव मान पांडव मान जुआ खेलने पशा खेलने कौरव मान पक्षर शकुनी पशा खेलुला कौरव मान खाली मुखदर्शी थे एमाने खेलु नथिले पक्षर शकुनी खेलुला आ पांडव मान सामने बस जदि युधिष्ठिर महाराज टी बुद्धि लगे थांते, कही था देख दुर्योधन कौरव मान पक्षर शकुनी मामू शकुनी खेलुची तुम्हें टी प्रतीक्षा कर आम द्वारिका निमंत्रण पठाऊ तुम पक्षर शकुनी खेलु आम पक्षर श्रीकृष्ण खेलिबे के चालाकी कर शकुनी किंतु महाराज युधिष्ठिर से बुद्धि कले किंतु काम पाल बड़रामी अत्यंत सरल दुर्योधन जाकि बड़ ठाकुर चरण धरला दुर्योधन को चेला बनईदे शिष्य करे गदा विद्या शिखेले दुर्योधन को दुर्योधन झील को बहु करके आने घर को श्रीकृष्ण इच्छा नाला ये बड़ ठाकुर आनी मो चेला तो ता झील को आ बोलिकी बहु कले आणु तो महाभारत युद्ध आरंभ है पूर्वर महाप्रभु बड़ ठाकुर कहे दादा आप गोटे नवेदन करुच्ची छोट भाई मो कथा रख कौन कौचु कह देखो ये युद्ध आरंभ है पूर्वर आप द्वारिका छाड़ी कड़े चली जाए कहीं मत बाहर करुचु तो दादा आपड़ बहुत सरल ए दुर्योधन को चेला बनई दुर्योधन आसब गोड़ हाथ धर कह मो पक्ष युद्ध कर आप मना करे कि कौरव पक्ष युद्ध कर मु पांडव पक्ष में आपड़ कौरव पक्ष में सुचारण आम दुई भाई भितर युद्ध हो तेणु से दुर्योधन आसला पूर्व आप तीर्थ जात्रा छड़े पलि जा
भगवान छोड़ करके बड़ ठाकुर को विदा कर देले नहले दुर्योधन नहीं जाता बड़ ठाकुर को तो ये एते सरल महापापी व्यक्ति भी टिके जाई के हाथों गोड़ जोड़ी दियो ये बड़ ठाकुर बहुत दुखी है कि अच्छी ए कालिया संत मो कथा सुनु नांती आपण अति सरल आपण सुनिबे बड़ ठाकुर आउ कार दोष गुण देखिबे नि ए कृपा कर देबे तेणु आध्यात्म आदि तापमान आदि तापमान अड़े करुछ सुधन अड़े करुछ सुधन एहनी हरधर नाम एहनी हरधर नाम निर्मल जस गुण धाम निर्मल जस गुण धाम सब दुख ताप को फल द्वारा आकर्षण करती तेणु बड़ ठाकुर नाम हूँ फलधर फल पाणी बड़ बड़देव महाप्रभु की आज कथा को विश्राम देवा कल कथा श्रवण कर जगन्नाथ जगन्नाथ राधा कांत देव की जय श्री गुरु महाराज की जय जय श्री राधे।